असी मोदी तुसी पूछो ही कुछ ना, क्योंकि असी पहला चंगा समझ के राज ते बिठाया सी। जदों राज ते बिठाया उल्टा साड़ी संगी कुटन लगा। ये आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे किसान महिला के नाते जो भी अधिकार हैं उनको पहचानने का, उनको स्थापित करने का और उन्हें किसान आंदोलन की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने का तथा सरकार से पूरा करवाने का संकल्प का दिन है ये। इस नारी दिवस के दिन हम सभी इकट्ठे होकर नारियां जो हमारे बच्चों की रोटी रोजी का सवाल है, इसीलिए हम इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे। जो काले कानून हमारे खिलाफ बने हैं, किसानी के खिलाफ काले कानून बनाए गए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए आए। असी चंगे तनाव के चूल्हे तक सीमित सी, चूल्हे दे काम कर रही सी, आपके घर दे काम कर रही सी, असी बाहर तक सीमित नहीं सी। पर इस मोदी ने सानू सड़कां ते लिया था, जिन्ना चिर साढ़े हक नहीं मिलते असी कदे भी नहीं जावांगे। जे साडियां जिंदा वग जाण असी तां वैसे भी मरे हुए आंगे, मर भी जाना है जे साडे बिल पास हो गए। किसी पासे सानू सोड नहीं हैगी, कोई टैक्स GST ते नोटबंदी सानू ही परेशानी है जी, किसी नू परेशानी नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे यहाँ भाई, माता, पिता सब इकट्ठे थे, अब यहाँ पर हमारी बहनें इकट्ठी हैं, हमारी माताएं इकट्ठी हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और हम शुरू से ही औरत ने अपना जो संघर्ष है, अपनी जो योगदान है सोसाइटी के लिए, वो हमेशा अपनी जगह औरत को मिली और औरत ने अपनी जगह दिखाई है समाज में। आज भी यहाँ जो ये वुमेन्स डे का प्रोग्राम है, इसमें भी आप देखिए कि हर उम्र की बेटी, हर उम्र की औरत, हर उम्र की माता हम लोगों के साथ यहाँ जुड़ी है और यही संदेश देना चाहती है सरकारों को कि आपको ये काले कानून जल्द से जल्द रद्द करने चाहिए, क्योंकि सब अपना घर बार छोड़ के अकेले बहन भाई, सब माता पिता, सारे परिवार यहाँ आ गए हैं। हम लोगों को अब ये जल्द से जल्द इस चीज़ का कुछ हल निकालना चाहिए। अगर कोई चीज़ किसानी को इफेक्ट करेगी तो वो डेफिनेटली फैमिली को तो इफेक्ट करेगी, और महिला तो एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरा घर चलाना होता है, और एक महिला ही है जो पूरे घर को चलाती है, और एक किसानी से अगर उनकी किसानी ही ख़त्म होगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? इससे क्लियर कट थिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है, उनके घर, उनकी ज़मीन चली जाती है, उनको प्रॉपर MSP नहीं मिल रहा, तो एक महिला किसान अपने घर को कैसे चलाएगी? और ये तो आज वही बात होगी ना कि आज उनको अपनी ही जीवन बिताने के लिए लड़ना पड़ रहा है, कि आप अपने ही लाइवलीहुड के लिए लड़ रहे हो। मोदी ने ऊँता माड़ी मोटी शर्म आनी चाहिए है भी सानिया भैन की माड़ी मोटी शर्म मने, कानून रद्द कर दे। साड़ी उरे कोई लड़ाई नहीं किसी नाल, केंद्र सरकार नाल नहीं, मोदी नाल साड़ी लड़ाई है, साडे कानून रद्द कर दे, असीं रोटी खाते रह जाएंगे, साडा आने वाली पीढ़ियां भुखिया मरनगियां जे साडे वास्ते कानून लागू होवे। मेरी बच्ची की शादी सी जदों इस मोदी सरकार ने नोटबंदी की, 4 दिन रह गए सी मेरी बच्ची की शादी च, मेरी बच्ची दे हथां ते मेहंदी लगी हुई सी, ते क्योंकि मेरी बच्ची जाके बैंकां दे बार मूहरे असी खड़ के 2-2 हज़ार रुपया इकट्ठा करदे सीगे, ते असी आप दे बरात दी अते आप दे बच्ची दे रिश्म दी मसा 2-2 हज़ार करके असी रकम जोड़ के किसी नूं बाद च दित्ते, क्योंकि एडा ही यह दुष्ट राजा निकलिया, क्योंकि राजे दा काम हुंदा है भी प्रजा नूं सुख रखना।
इस राजे ने सारिया के नक च दम लिया है। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਈਸਾਈਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਕੜਾਈ ਵੱਧ ਹੈ ਆਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਬਣਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਐਫਰਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ सबसे पहली बात तो ये आंदोलन आपको भी पता है कि जैसे ये 3 लॉज से रिलेटेड है और यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो किसान हैं क्योंकि आज हर प्रोफेशन से महिलाएं हैं यहाँ पे एडवोकेट्स भी हैं यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं लेकिन इस वक्त क्या है ना कि ये जो आंदोलन है हमारी जो ये राजनीतिक टर्न हमारी जो केंद्र की सरकार है जो अलग अलग राजनीतिक हथकंडे अपना रही है पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई फिर उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से लोगों को ट्रीट किया जेल भेजा गया जैसे उनकी एंट्री पे उनको वाटर कैनन्स पे और ये टीयर गैस वगैरह यूज़ की गई तो ये आज ना एक लड़ाई एक हक और सच की लड़ाई बन के रह गई और एक होंद की लड़ाई बन के रह गई है कि आज हमें अपनी ही होंद के लिए लड़ना पड़ रहा है तो आज शायद उसी का वो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट ये इतना स्तंभ कर रही है लोगों पर उसी का रिजल्ट है कि आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है इन्होंने पहले भी एक दिन 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया था उस दिन भी पूरा स्टेज जो है वो महिलाओं को दी गई थी और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके के ऊपर भी स्टेज जो है पूरा महिलाओं को दी गई है और हमें ये लगता है कि ये पॉजिटिव शुरुआत है इन स्टेजेस के ऊपर आज जो बात हो रही है वो महिलाओं की किसान के रूप में पहचान जो है और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं उनके विकास के लिए जो जरूरी हैं उनके आर्टिकुलेशन पे बात हो रही है तो ये एक सकारात्मक कदम है और हमें ये लगता है कि सफलताओं के रास्ते जो है महिला समानता की सफलताओं के रास्ते इन्हीं मोड़ों से होकर जो है अपनी मंजिल पे पहुंचेंगी।